आपके साथ मीखा, अ वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम। टुडे वी विल टॉक अबाउट नन अदर देन अमिताभ बच्चन। आप सब जानते हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज की तारीख में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में देने वाले, बिग बी को पसंद करने वाले उनके करोड़ों फैंस हैं, जिन्हें खुश करने के लिए, जिनके साथ जुड़े रहने के लिए बिग बी अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हुए अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बिग बी अपने फैंस के साथ इसी सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए साझा करते हैं। आज का दिन बिग बी के फैंस के लिए बेहद खास है, क्योंकि बच्चन परिवार से एक नहीं बल्कि दो बड़ी खुशखबरियों की खबर जो आ रही है। आप सब जानते हैं महानायक अमिताभ बच्चन ने हिंदी सिनेमा में कितना बड़ा योगदान दिया है। आप सब जानते हैं एक कलाकार होने के तौर पर बिग बी अपनी हर जिम्मेदारी पूरी करते हैं, अमूमन सोशल इश्यूज पर बोलते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। और इन सबके बीच में अमिताभ बच्चन बीते दिनों अपने स्वास्थ्य को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा में रहे। आंखों की परेशानी से जूझते बिग बी ने सर्जरी करवाई और इसकी अपडेट भी अपने चाहने वालों के साथ साझा की। इतना ही नहीं बल्कि अमिताभ बच्चन ने रिसेंटली एक ब्लॉग के जरिए अपने फैंस को बताया कि वो अपनी सर्जरी की परेशानियों से अब आहिस्ता आहिस्ता रिकवर भी कर रहे हैं। अब आते हैं गुड न्यूज पर। जिस तरह बीते दिनों उन्होंने हेल्थ इश्यूज को फेस किया है, अब महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ी दो बड़ी खुशखबरी आ रही हैं। पहले ऐसे इंडियन सेलिब्रिटी हैं बिग बी जिन्हें FIFA से सम्मानित किया गया है। ये बड़ा अवार्ड जिसकी अपने आप में बहुत अहमियत है, ये बिग बी को मिला है। और इस अवार्ड के साथ ही महानायक अमिताभ बच्चन KBC 13 के साथ एक बार फिर जुड़ने जा रहे हैं। व्हाट्स द होल स्टोरी आप जानेंगे हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा। बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन बीते दिनों अपनी आंख की सर्जरी के दौरान काफी ज्यादा चर्चा में रहे। हाल ही में बिग बी ने अपने ब्लॉग के जरिए स्वास्थ्य से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां अपने फैंस तक पहुंचाई। बिग बी ने अपने चाहने वालों को बताया कि उनकी आंखों की सर्जरी हो चुकी है, लेकिन अभी वक्त लगेगा उनकी दृष्टि के साफ होने में। अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा पॉपुलर सेलिब्रिटीज़ में से एक हैं, और इन सबके बीच बिग बी के फैंस उनकी सर्जरी की खबर सुनकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। अमिताभ बच्चन के सभी फैंस की दुआएं असर लेकर आईं। बिग बी ने खुद सोशल मीडिया के ज़रिए बताया कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल रही है। आपको बता दें, सर्जरी हो जाने के बाद अमिताभ बच्चन को लेकर आ गई है एक बड़ी गुड न्यूज़, जिसे सुनकर आप यकीनन खुशी से झूम ही उठेंगे। 78 साल के अमिताभ बच्चन ज्ञान के बदले लोगों के सपनों को पूरा करने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति को होस्ट भी करते हैं। आपको बता दें, कौन बनेगा करोड़पति 12 के फिनाले के 2 महीने बाद अब इसका 13वां सीज़न शुरू होने के लिए तैयार है। गुड न्यूज़ ये है कि इस सीज़न को भी मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ही होस्ट करेंगे। आपको बता दें, बीते दिनों अमिताभ बच्चन ने खुद ही अपने इंटरव्यू में बताया था कि उनका परिवार उन्हें KBC की शूटिंग करने से रोकता है। बिग बी के फैंस ने खुद ही इस बात को सुना था कि बिग बी के फैमिली वाले उन्हें कहते हैं कि इस सीज़न को होस्ट मत कीजिए, लेकिन अमिताभ बच्चन कुछ मानने के लिए ना कल तैयार थे ना आज तैयार हैं। सीज़न 12 भी उन्होंने होस्ट किया और अब सीज़न 13 को होस्ट करते हुए भी आपको बिग बी ही नज़र आएंगे। आपको बता दें, कोरोना महामारी की वजह से चैनल ने बीते सीज़न को जुलाई के बजाय सितंबर महीने में लॉन्च किया। अब इस बार कोई देरी ना हो, इसलिए KBC सीज़न 13 की तैयारी मेकर्स ने शुरू कर ली है। शुरुआती प्लानिंग को लेकर जो खबर आ रही है, चैनल अगस्त के अंत तक अपने नए सीज़न का प्रीमियर करना चाहता है। अगले महीने अमिताभ बच्चन और चैनल अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया पर सीज़न 13 के लिए रजिस्ट्रेशन की घोषणा कर सकते हैं। KBC के बीते सीज़न के मुकाबले इस सीज़न के फॉर्मेट में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आएगा। अमिताभ बच्चन के फैंस तक
जब पहुंची उनके केबीसी 13 के होस्ट करने की खबर तो फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए। आपको बता दें अमिताभ बच्चन के इस शो का बीता सीज़न ज़बरदस्त हिट रहा। तीसरे सीज़न के अलावा सभी सीज़न केबीसी के बिग बी ने होस्ट किए हैं और इस बार भी अमिताभ बच्चन ही आपको होस्ट के तौर पर हॉट सीट पर बैठे हुए नज़र आएंगे। बिग बी के अगर आप फ़ैन हैं तो आपको एक और ख़बर बताएंगे जिसे जानकर आपको उन पर गर्व भी फील होगा और आप खुश भी हो जाएंगे। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकॉन्स यानी FIAF अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। बिग बी भारतीय सिनेमा के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें विश्व फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए FIAF अवार्ड दिया गया है। हॉलीवुड फिल्म स्टार मार्टिन स्कॉर्सीस और क्रिस्टोफर नोलन ने फिल्म धरोहर के संरक्षण के क्षेत्र में दिए गए बिग बी के योगदान की सराहना की और फ्राइडे को ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से आयोजित एक समारोह में बिग बी को FIAF पुरस्कार दिया गया। ये अवार्ड इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव द्वारा दिया जाता है। अब वीडियो देते हुए स्कॉर्सीज ने कहा कि बच्चन ने भारत की फिल्मी धरोहर को संजोने में उल्लेखनीय काम किया है। अमिताभ बच्चन काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि उन्हें इतना बड़ा ये अवार्ड मिला। आपको बता दें अवार्ड मिलने के बाद बिग बी ने इंस्टाग्राम पर अपनी एक फ़ोटो शेयर की और लिखा साल 2021 के लिए FIAF पुरस्कार प्राप्त करने को लेकर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। एक ऐसी वजह जिसके लिए मैं गहराई से प्रतिबद्ध हूँ। हमें इस विचार को मजबूत करना होगा कि फिल्म संग्रह उतना ही आवश्यक है जितना कि फिल्म निर्माण। मुझे उम्मीद है कि हम फिल्म उद्योग और सरकार में अपने सहयोगियों से इन सबसे आवश्यक कारण के लिए और अधिक समर्थन हासिल करने में सक्षम हैं, जिससे हम अपनी शानदार फिल्म विरासत का संरक्षण और प्रदर्शन करने के लिए एक केंद्र बनाने को लेकर अपने सपने को साकार कर सकें। तो दोस्तों देखा आपने बिग बी के लिए दिन है कितना खास, क्योंकि उनके परिवार से आ रही है दो बड़ी खबरें। जैसे ही ये खबरें सोशल मीडिया के जरिए वायरल हुई, बिग बी को जो अवार्ड मिला इसकी तस्वीरें उन्होंने साझा की, एक प्यारा सा पोस्ट लिखा जो हमने आपको बताया भी, फैंस कह रहे हैं आप इसी तरह आगे बढ़ते जाइए, अपना ख्याल रखिए और सिनेमा के क्षेत्र में कला के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहिए। आपको बता दें बिग बी 5 बड़ी फिल्मों के साथ आप सबके सामने पेश होंगे। ये प्रोजेक्ट्स अपने आप में बेहद खास हैं। गाइज आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ जुड़े रहिए। दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।